करनाल में आज पीटीआई टीचरों ने तीज के पर्व को काला दिवस के रूप में मनाकर अपना रोष जाहिर किया है। इस दौरान पीटीआई टीचर ने सरकार से पुनः नौकरी पर रखे जाने का पुरजोर मांग उठाई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में कार्यरत पीटीआई टीचर नौकरी से निकाले जाने के बाद करनाल के लघु सचिवालय के सामने पिछले 39 दिन से पीटीआई टीचर धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार से दोबारा नौकरी पर रखने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 39वें दिन तीज के अवसर पर शारीरिक अध्यापक संघ के बैनर तले तीज को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान अध्यापकों द्वारा सरकार पर रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया गया। अध्यापक संघ के नेताओं ने बताया कि सरकार द्वारा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, साथ ही कहा कि उनके धरने पर अभी तक सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा मिलने नहीं आया है, जिससे शारीरिक अध्यापक संघ में भारी रोष व्याप्त है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा थाली बजाकर बेरोजगार होने की बात प्रशासन तक पहुंचाई गई। वहीं उन्होंने प्रशासन से अनुरोध भी किया है कि जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा किया जाए। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। संघर्ष जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 12 करनाल लघु सचिवालय के सामने, जहां पर ये पीटीआई टीचर्स बैठे हुए हैं जिनको भर्ती से निकाल दिया गया था, जिनकी भर्ती रद्द कर दी गई थी। तो आज जैसे कि तीज है, ये इस तीज को काली तीज के रूप में मना रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। हाँ नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे को यहाँ बैठे 39 दिन हो गए हैं और हरियाणा सरकार ने हमें 1 जून और 2 जून को रिलीव कर दिया था। पूरे हरियाणा में 1983 पीटीआई हम लगे थे जो 2010 में, उनको रिलीव कर दिया था बिना किसी कारण बताए नोटिस के। निस्वार्थ भाव से सेवा की है, दिन रात मेहनत करी है और खेलों का जो स्तर है हरियाणा का आप लोग देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, आंकड़े बताते हैं कि 2010 के बाद हरियाणा का खेलों में स्तर क्या रहा। तो इनकी पूरी मेहनत करी और उस मेहनत का नतीजा क्या मिला हमें कि हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया गया। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इनको रिलीव कर दिया जाए, कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए भर्ती को रद्द किया था, ना कि यह कहा था आप इनको रिलीव कर दे, बाहर कर दे और बाहर कर कर ही भर्ती करें। किस तरीके से एजुकेशन किया जा रहा है? तो हमारी जैसी भी स्टेट कमेटी बनी हुई है उसके जैसे ही प्रोग्राम आता है, हम आज जो हमारा तीज का जो त्यौहार मनाया जाता है हरियाणा में, एक बहुत ही अहम त्यौहार, महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है तीज का, लेकिन हमारी जो बहनें हैं आज वो बेरोजगार हो कर दिया हरियाणा सरकार ने और दर बदर की ठोकरें खा रही है पूरे हरियाणा में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही। तो इसको हम काला दिन के रूप में मानते हैं, हमारे लिए काला दिन है, काला तीज माह मना रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने हमें यहाँ पर रोड पर ला दिया है। इससे ऊपर तो क्या होगा, तो हम क्यों, त्यौहार भी हमारा काला है जब हमारे पास रहे नहीं कुछ, नहीं रोजगार नहीं है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं हम। पिछले 39 दिन से पूरे हरियाणा में ये कर्मी कंसन चला हुआ है और रोड पर बैठे हैं सभी साथी, धूप गर्मी पसीना बारिश हवा, हमारे यहाँ पर अभी तक कोई मिलने नहीं आया। जैसे कि हमारे साथ ये औरतें हैं जो कि पीटीआई टीचर्स थी, जो कि इनकी भर्ती रद्द कर दी गई है, हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आज ये तीज को काली तीज के रूप में मना रहे हैं। हाँ जी मैडम जी, मैं तो यही कहूंगी कि भी हम 1983 पीटीआई हैं जो सरकार ने हमें बगैर कसूर के, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे को हमारी भर्ती को हमारी को बाहर कर दिया है 2 जून को। तो हम आज हमारा एक ये हरियाली त्यौहार होता है तीज का, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और आज हम इस त्यौहार को काले दिवस से मना रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमारे साथ बहुत अनर्थ किया हुआ है जो कि आज तक सुना नहीं है। तो मैं सरकार को यही कहना चाहूँगी, यही हमारा एक ही मांग है हमारी कि भी हमारी नौकरी को बहाल किया जाए। और आप यहाँ पिछले कितने दिनों से? 39 दिन हो गए हैं जी, हमें लगातार 39 दिन से हमारा कर्मी कंसन चला हुआ है और आज हम इस जो हरियाली तीज होती है उसको हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमारा रोजगार तो छीन लिया, हमारे पास तो वही बात आमदन का कोई साधन नहीं रहा, तो हम आज इसको काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसलिए हम सभी यहाँ पे अब काली चुनरी बांध कर बैठे हैं। काली चुनरी और ये थाली चम्मच बजाकर आप सरकार को जगाने का प्रयास? हाँ जी, ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसको सुनाई तो देता नहीं, 39 दिन हो गए हम यहाँ लगातार धरने में बैठे हैं तो हम थाली चम्मच बजा के रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमारे हाथों में थालियाँ दे दी, रोजगार तो हमारा छीन लिया है। जैसे कि यहाँ पे सभी की
काली तीज मना रहे हैं। आज का जो त्योहार है तीज का, इस दिन सभी सुहागने मेहंदी लगाकर अपने घर में खुशी खुशी मनाते हैं और ये लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। भारत सरकार और डिप्टी सीएम के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही है, जबकि थाली और चम्मच बजाकर नारेबाजी कर रही है। इनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो इनका धरना है, ये आज कितने दिन में प्रवेश कर चुका है? ये 39 दिन हो चुके हैं। हम कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार को इस मंच के माध्यम से, भाई आज जो त्यौहार है हमारे हरियाणा का मान्यवर त्यौहार बताते हैं हमारी ये सरकार, इसमें हमारी बहनें थाली पीट पीट कर रही है, उसके जी जी बसें रोन रही है। हम उसको बताना चाहते हैं भैया इस पॉलिसी को बहाल करे, इनकी सेवा को मद्देनजर रखते हुए इनको बहाल करे और ये बहनें अपने पालन पोषण करें। हाँ, जिसने गलती की है सजा उसको हो, हमारे कर्मचारी को ना हो। अगर सरकार समय रहते इनको समान करती है न अन्यथा हमारा प्रत्येक कर्मचारी सड़कों में उतरने के लिए राजी होगा। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिले का सेक्रेटरी राजकुमार। जैसे कि आपने देखा कि ये पीटीआई टीचर्स यहाँ पर धरने पर 39 दिन से लगातार बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, थाली चम्मच बजाकर ये सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब तक 39 दिन हो चुके हैं, कोई भी प्रशासन की तरफ से या कोई भी इनसे अब तक मिलने नहीं आया है, किसी का इन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। ये आज कोरोना, कुछ तो कोरोना का काल ऐसा है और कुछ इन जो ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं, जो कि अपने त्यौहार को मना नहीं पा रही है और तीज के त्यौहार को एक काले तीज के रूप में मना रही हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.